सुनने में आया कि पुलिस लोग ताना का अंदर भी तिक से पिटन दिया है बोले, इसलिए हम बोल रहे हैं कि मेडिकल फिटनेस ये लोग लेके आना है। अभी हम लोग का जितना एक्सपीरियंस को आज मारा है पुलिस का ओर से और डॉक्टर का ओर से भी, मेडिकल फिटनेस अभी हम लोग का यहाँ पे ला के दिखाना है। कल को ये पुलिस का मार से हम लोग का एक्सपीरियंस का कुछ भी जान जाता है बोलने से द गवर्नमेंट शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। और इसलिए हम यहाँ जितना भी हम लोग का एक्सपेरेंट है, पेरेंट्स है, वेल विशर है, हम बार बार अपील कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ मन कॉल को हम लोग पीसफुली किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक हम देखा है बीच में से कोई पत्थरबाजी करने के लिए निकल जाता है, पानी बोतल फेंकना शुरू कर देता है, उसके बाद में वो तो खुद तो भाग लेता है। लेकिन जो इनोसेंट स्टूडेंट को यहाँ पे पुलिस से लाठीचार्ज कराया जाता जा रहा है, इसलिए हम पहले से बोला है ये जो इशू हम लोग लेके आया है ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, कोई पर्सनल इशू नहीं है, कोई इंडिविजुअल इशू नहीं है, बल्कि ये इशू है हम लोग का फ्यूचर जनरेशन के लिए। इसलिए हम यहाँ पे जितना भी ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है या ऐसे कोई शख्स है कि इस इशू को पॉलिटिकल मोटिव देना चाहता है उसको हम खारिज करता है। वी एस एन पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी हम लोग वायलेंस को कभी इंडोर्स करेगा नहीं। और जहाँ तक ये हम लोग का जो पेरेंट्स है जो वेल वेसर जब तक बंद कॉल हम लोग का ये कंटिन्यूस रखेगा तब तक एस एन एक्सपेरेंट हम लोग इसको साथ देगा।